समाज के लोगों को सब पता है कौन काम कर रहा है, कौन फोटो खिंचा रहा है, पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक अगर नहीं जानती तो समाजवादी को 17-2 में नहीं लेके आ जाती। समाजवादी पार्टी जब से जीत के आई है उनका यही मामला है कि काम कुछ करने का नहीं, हर जगह जाके काम की फोटो खिंचाने का और व्हाट्सएप में लोगों को बेवकूफ़ ख्याल मेरे को रखना है, मेरे को खाली जाके वहाँ फोटो नहीं खिंचाना है। जिसको फोटो खिंचाना है वो जा रहा है, रोज फोटो खिंचा के आ जा रहा है, लेकिन आवाम पर वादी के लोग और आज से नहीं, आज 1.5 साल से ये लोग घूमरा कर रहे हैं। खाली क्या कर रहे थे, भुट्टा भून रहे थे क्या तुम लोग? उसके बाद जब तुम्हारे पास पाइप पड़ा था तो तुमने टेंडर कॉल क्यों नहीं भरा, टेंडर भर के काम चालू करवा देते। तो खाली लोगों को गुमराह करना है। समाजवादी को 2 बार भिवंडी वेस्ट से एमएलए चुन के दिया, भिवंडी ईस्ट से 2 बार एमएलए चुन के दिया, 1 बार आसिम भाई सीट छोड़ के भाग गए, उसके बाद हमारे ऊपर रुपये मात्रे ला के लाद दिया गया। 25 साल में इन लोगों ने शहर को खंडर बना दिया है और शहर का काम करने के लिए अभी हमको मौका मिला लेकिन सिर्फ 2.5 साल मिला और उसके बाद कोविड आ गया। अभी भी पूरे शहर में जो काम हो रहा है ये कांग्रेस का पास, ये गालीसार ऑफिस लिए उन लोगों ने। अब ये उनका विकास हुआ है कि जनता का विकास हुआ है ये उनको मालूम है। उसके बाद नया हाई स्कूल तैयब मस्जिद के पास ये उन्होंने चालू करी, जहाँ पे गरीब बच्चे का एडमिशन लेना तो छोड़ो, गरीब बच्चा वो स्कूल के बाहर खड़े रह के वड़ा पाव भी नहीं बेच सकता है, वो ऐसी स्कूल उन्होंने चालू करी आवाम के लिए, निवंडी के आवाम के लिए। ये उनका समाजवादी का विकास है। उसके बाद ओशियन जो बाजू में बिल्डिंग के टावर बने वो उन्होंने बनाए, ये इनका विकास है समाजवादी पार्टी का। आज ये हमसे सवाल करते हैं, अरे हमसे 2.5 साल सवाल, हमारे से 2.5 साल का हिसाब लेने से पहले आवाम को तुमको 25 साल का हिसाब देने वाली है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विलास को गाली देते हैं, बीजेपी को गाली देते हैं, लेकिन इनकी असलियत तुम देखने जाओगे तो समाजवादी के बहुत से लोग गुनाह विकास अगाड़ी बीजेपी गठबंधन से इलेक्शन लड़ चुके हैं और हार चुके, और आज ये कौन भी समाजवादी के नाम पर वोट नहीं दिया और ना देगी। आवाम 25 साल बेवकूफ़ बनी है इनके साथ में, ये पार्टी के चक्कर में, अब आवाम और बेवकूफ़ नहीं बनेगी। नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा, आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम्स। भिवंडी शहर के वार्ड क्रमांक 10 में पीने की पाइपलाइन को लेकर पिछले दिनों काफ़ी बवाल चला। स्थानीय नगर सेवक आरिफ खान और समाज सेवक अस्पाक ने कहा कि पाइपलाइन हमने लाई, हालांकि इस पाइपलाइन को लेकर पूरी राजनीति गर्मा गई है। भिवंडी शहर की वार्ड क्रमांक 10 की नगर सेविका ने भी दावा किया कि इस पाइपलाइन को हमने लाया और आरिफ खान ने कहा कि पाइपलाइन लाने में 3 लाख रुपए जो लगे निजी पैसे मेरे देकर मैंने ये पाइपलाइन वार्ड क्रमांक 10 में लाई है। हालांकि गौरतलब है कि अस्पाक समाज सेवक ने दावा किया था कि पिछले कुछ मीडिया वालों को ये कहकर कहा था कि पाइपलाइन लाने में पूरी मेहनत और लेटरबाजी हमारी थी, इसकी वजह से पूरा क्रेडिट हमें मिलना चाहिए और समाजवादी के लोगों को साथ में लेकर उन्होंने मीडिया से ये बात कही, लेकिन उस बात को झुठलाते हुए आरिफ नगर सेवक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर खुलासा किया कि पाइपलाइन लाने में और पाइपलाइन को लाने में जो खर्च लगा निजी खर्च वो मैंने दिया और पूरी जो टेंडर से लेके जो भी शुरुआत से लेके एंड तक लेटरबाजी पत्र दिया नगर पालिका से जो मेहनत करनी थी वो सारा काम मैंने किया। हालांकि दोनों के वार्ड जॉइंट है फिर भी मैंने अपनी मेहनत से वार्ड क्रमांक 10 को पाइपलाइन लाने में मेहनत की, ये आवाम जानती है। आइए देखते हैं भिवंडी के वार्ड क्रमांक 10 के नगर सेवक आरिफ खान ने क्या कहा और पूरी ये राजनीति किस तरह से शहर में गर्मा गई है, आइए एसटीएस टाइम की एक विशेष रिपोर्ट में देखते हैं। इसके पहले एक मामला आया था, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया था, मेरे साथी नगर सेवक को साथ में लेके बैठाया गया था, उससे कुछ उसको मालूम ज़्यादा है ही नहीं, उससे कुछ गलत मालूम दी गई थी कि वो जो मेरे वार्ड में एक पानी की लाइन का काम चालू हुआ है उनका बोलना था कि वो उनकी वजह से हुआ, तो इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ताकि आवाम को, वैसे मेरे वार्ड के लोगों को सबको पता है कि वो काम कौन करवा रहा है, लेकिन इन 1.5 सालों में समाजवादी पार्टी जब से जीत के आई है उनका यही मामला है कि काम कुछ करने का नहीं, हर जगह जाके काम की फ़ोटो खिंचाने का और व्हाट्सएप में लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। अभी उन्होंने उस दिन बैठ के कहा कि पहले महीने में 2020 को उन्होंने एक लेटर दिया था काम के लिए, उसकी वजह से काम हुआ, तो आज 1.5 साल होने आ गया है। उनका लेटर पहले महीने में 2020 को आया था, जब मैंने देखा कि 6-7 महीना हो गया कुछ काम नहीं हो पा रहा है, वो वार्ड जो है वो अस्पताल के हिस्से में आता है, कुछ हिस्सा मेरा भी पड़ता है, लेकिन जब मैं देखा कि 7 महीना हो गया कुछ काम नहीं हो पा रहा है तो मैं तुमको अभी लेटर देता हूँ। 7वें महीने में मैंने वो लेटर दिया उसको, नगर पालिका में लेटर दिया वो लाइन डालने के लिए,
सातवें महीने में लेटर देने के बाद 5/10/2020 को मैंने उसको मंजूर करा के लिया, और उसके बाद फिर मैंने अस्पताल से कहा कि अस्पताल ये काम कर, मैं टेंडर कॉल करवा देता हूँ, और टेंडर कॉल करवाने के बाद कोई ठेकेदार होएगा तो उसको भरवा के अपन काम चालू करवा देंगे। तो मैंने 29/10/2020 को लेके 12/11/2020 तक ये टेंडर कॉल पड़ा था। इनका बोलना है कि इनके पास पाइप पड़ा था तो कई के लिए पाइप पड़ा था, जब टेंडर कॉल हुआ 15 दिन का टाइम मिला तो तुमने टेंडर क्यों नहीं भरवाया, अगर तुमको काम कराना ही था, तुमको खाली फोटो खिंचाने का शौक है, अगर काम कराने का शौक रहता तो टेंडर कॉल करके काम करवा लेता, अभी तक काम खत्म हो जाता 3 महीना पहले। लेकिन जब इन्होंने नहीं कराया, 1 महीना और चला गया, उसके बाद मैंने अस्पताल को फिर बोला कि अस्पताल कोई ठेकेदार मिला कि नहीं तेरे को काम करने के लिए, तो उसने बोला कि नहीं मिला। तो फिर मैंने एक ठेकेदार से बात करी और उससे बहुत रिक्वेस्ट करी, अभी भी तुम देखे होंगे उसकी क्लिप भी चली थी, उसने बाकायदा बोला कि आरिफ भाई ये काम मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, मैं तुमको अभी क्लिप भी दे दूंगा। फिर मैंने 9/12/2020 से लेकर 15/12/2020 एक हफ्ते का टेंडर कॉल किया और उसको बोल के मैंने टेंडर भरवाया। उसके बाद शासन की मंजूरी इसको 26/2/2021 को मिली, दूसरे महीने में शासन की मंजूरी मिल गई। उसके बाद काम चालू होना था लेकिन कोविड आ गया, और कोविड आने की वजह से वो अपना पाइप का बंदोबस्त नहीं कर पाया, और फिर कुछ पैसे का भी प्रॉब्लम था तो मैंने उसको अपने पास से पैसा दिया, क्योंकि मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड के लोगों का ख्याल मेरे को रखना है, मेरे को खाली जाके वहाँ फ़ोटो नहीं खिंचाना है, जिसको फ़ोटो खिंचाना है वो जा रहा है, रोज़ फ़ोटो खिंचा के आ जा रहा है, लेकिन आवाम को सब पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। फिर मैंने उसको अपने जेब से 3 लाख रुपये दिया कि ठीक है तू ये काम करके ले, जब तेरा बिल निकलेगा तो मेरे को पैसा वापस दे देगा। उसके बाद मैंने पाइप गिरवाया और काम चालू कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आवाम को जो लोग गुमराह कर रहे हैं, समाजवादी के लोग, और आज से नहीं, आप 1.5 साल से ये लोग गुमराह कर रहे हैं खाली, तो मैं इसकी एक क्लियरिफिकेशन करने के लिए आप लोगों को बैठाया हूँ, मैं आप लोगों को लेटर दे दूंगा, आप कोई जानकार आदमी है वो समझ जाएगा कि प्रोसीजर इसका क्या रहता है। तो आरिफ भाई, ये जो 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 कुछ भी हुआ था, फारूक ने जो समाजवादी के लोग थे उन्होंने अशफाक भाई को बिठा के जो किया था, तो वो उनकी क्रेडिट लेने की ये थी, मतलब जो जो था वो खुद क्रेडिट लेना चाहते थे या आपको बदनाम करना चाहते थे, ये क्या? मैं खुद भी बदनाम करना चाहते थे, खुद भी क्रेडिट लेना चाहते थे, और अशफाक का मामला ऐसा है कि उसको कुछ समझता नहीं है, वो 2-4 बार लेके गया होगा उसको, लेकिन मेरा बोलना है कि तुम लोगों ने अगर बहुत मेहनत की उसके साथ में लग के, तो बीच का जो 7 महीना था, पहले महीने जो 7वें महीने तक तुम लोग क्या कर रहे थे, भुट्टा भून रहे थे क्या तुम लोग? उसके बाद जब तुम्हारे पास पाइप पड़ा था तो तुमने टेंडर कॉल क्यों नहीं भरा, टेंडर भर के काम चालू करवा देते? तो खाली लोगों को गुमराह करना ये समाजवादी का काम है। अभी जैसे ये लोग कांग्रेस के 2.5 साल का हिसाब मानते हैं कि कांग्रेस ने 2.5 साल में क्या काम करी, कांग्रेस के 2.5 साल का काम तो इतना ज़्यादा है, इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने 25 साल के शहर को खंडर कर दिया है। आज 25 साल में हमने तो समाजवादी को 2 बार भिवंडी वेस्ट में MLA चुन के दिया, भिवंडी ईस्ट में 2 बार MLA चुन के दिया, 1 बार आसिम भाई सिंह छोड़ के भाग गए, उसके बाद हमारे ऊपर रुपये मात्रे ला के लाद दिया गया। 25 साल में इन लोगों ने शहर को खंडर बना दिया है, तो शहर का काम करने के लिए अभी हमको मौका मिला लेकिन सिर्फ 2.5 साल मिला, और उसके बाद कोविड आ गया। अभी भी पूरे शहर में जो काम हो रहा है ये कांग्रेस का पास किया हुआ काम है। मैं तुमको बताता हूँ, कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो काम किया, जावेद अली माफ़ कर, 111 करोड़ रुपये जो स्ट्रीम लाइन का हमारे ऊपर बकाया था वो उन्होंने माफ़ करवा दिया। उसके बाद पूरे शहर में लाइट चेंज करवा दी उन्होंने। आज जो पूरे शहर में रोड बन रहा है, 15 करोड़ रुपये हम लोगों ने पास किया और रोड का काम चालू हुआ, पूरे शहर में रोड बन रहा है। उसके बाद 10 करोड़ रुपये हम लोगों ने गटर के लिए पास किया, पूरे शहर में गटर का काम चालू हुआ है। उसके बाद मूलभूत सुविधा जो पिछले 5 साल में 1 बार भी नहीं आई थी, वो मूलभूत सुविधा 40 करोड़ रुपये हम लोग जाके नाले का काम चालू किया। अभी मेरे वार्ड में भी 70-80 लाख का नाले का काम चालू हुआ है, इसी तरह पूरे भिवंडी में नाले का काम हुआ है। बहुत विकास किया है, 3 विकास तो मेरे सामने, सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी ने विकास ये किया है कि कुरार विकास अगाड़ी कुरार में एक आलीशान ऑफिस लिए उन लोगों ने। अब ये उनका विकास हुआ है कि जनता का विकास हुआ है ये उनको मालूम है। उसके बाद नयाद हाई स्कूल तैयब मस्जिद के बाद ये उन्होंने चालू करी, जहाँ पे गरीब बच्चे का एडमिशन लेना तो छोड़ो, गरीब बच्चा वो स्कूल के बाहर खड़े रह के वड़ा पाव भी नहीं बेच सकता है, वो ऐसी स्कूल उन्होंने चालू करी आवाम के लिए, निवंटी के आवाम के लिए, ये उनका समाजवादी का विकास है। उसके बाद ओशियन जो बाजू में बिल्डिंग है, टावर बने हैं, वो उन्होंने बनाए, ये इनका विकास है समाजवादी पार्टी का। आज ये हमसे सवाल करते हैं, अरे हमसे 2.5 साल सवाल, हम हमारे से 2.5 साल का हिसाब लेने से पहले आवाम को तुमको 25 साल का हिसाब देना पड़ेगा, और तुम जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि हम BJP को सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, जो टाइम हम लोगों ने अन्ना को लाया था यहाँ पे कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं था,
और हम ये चाहते थे कि भिवंडी ईस्ट से बीजेपी शिवसेना गठबंधन नहीं जीते, और वो अन्ना हमको लग रहा था कि वो हिंदू हिंदू वोट भी उसको बहुत मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने उसको लेकर आया था ताकि सेना और कांग्रेस के सेना और बीजेपी गठबंधन की सीट नहीं आवे, हमारे कांग्रेस की सीट आवे, और हम कांग्रेस पर जाके उनकी हेल्प नहीं करे थे जिस तरह समाजवादी वाले करते हैं। एमपी के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने क्या किया था पूरे शहर ने देखा था, उसने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने के लिए एमपी के इलेक्शन में अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा था ताकि मुसलमानों का वोट कटे और कपिल पाटिल इलेक्शन जीत के आवे, और उसके बाद अभी समाजवादी में कुछ लोग ऐसे हैं जो विलास को गाली देते हैं बीजेपी को गाली देते हैं, लेकिन इनकी असलियत देखने जाओगे तो समाजवादी के बहुत से लोग गुनाह विकास अगाड़ी बीजेपी गठबंधन से इलेक्शन लड़ चुके हैं और हार चुके हैं, और आज ये कौन की बात करते हैं। कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे हैं कि जो रईस शेख चुनके आए आमदार, तो वो दो हिंदू कैंडिडेट के बीच में एक मुस्लिम जीत के आया, तो ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में वो जीत के आए, कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की भी लड़ाई थी असदुद्दीन अवैसी साहब की भी बहुत बड़ी मेहरबानी की, उसमें किसी आवाम ने समाजवादी के नाम पे वोट नहीं दिया और ना देगी, आवाम 25 साल बेवकूफ़ बनी है इनके साथ में ये पार्टी के चक्कर में, अब आवाम और बेवकूफ़ नहीं बनेगी। ठीक है, वो एक हिंदू मुस्लिम का मामला था, असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपील करी थी इसलिए वो सिर्फ चुनके आ गए। अभी आपने बोला है कि जो विकास के लिए जो काम करना था जो वार्ड में उनको कुछ नहीं किया उन्होंने, उनका जो जो भी गाइडलाइन थी वो आपने किया, वो मैंने किया मैंने उसके लिए, और उसके बाद काम उसने भी बहुत किया है वार्ड में, लेकिन उसको इतना समझता नहीं है, वो उसको मेहनत दौड़ना बहुत ज्यादा पड़ता है, इसके लिए मैं सपोर्ट भी करता था उसका, हर बार मेरा कुछ काम रहता था वो भी सपोर्ट करता था, हम लोग मिलजुल के वार्ड में काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप अपने वार्ड के लोगों को क्या बोलेंगे कि अगली बार क्या? मेरे वार्ड के लोगों मेरे को चुन के लाए, मेरे वार्ड के लोगों को सब पता है कौन काम कर रहा है कौन फोटो खिंचा रहा है, पब्लिक ये सब जानती है, पब्लिक अगर नहीं जानती तो समाजवादी को 17 से 2 में नहीं लेके आ जाती।